जय श्री राम। अभी अभी पता चला कि सुरेश जी चौहान को संगारेड्डी की पुलिस ने वहां पर रोक दिया गया और तेलंगाना में उनको आने नहीं दिया जा रहा, और ये बहुत ही गलत हुआ है। और तेलंगाना मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा कार्य सुरेश जी चौहान द्वारा प्रारंभ हुआ कि जनसंख्या बचाओ। ये भारत देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना देश को भी खतरा होगा, और हम दो हमारे दो तो सबके दो। इतनी अच्छी सोच लेके सुरेश जी चौहान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा निकाली है, किसी राज्य में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेलंगाना में मुख्यमंत्री के आदेश पर उनको रोका जाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं अभी सुरेश जी चौहान को जहां पर रखा गया, मैं अभी हैदराबाद सिटी से संगारेड्डी की ओर जा रहा हूं, और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सुरेश जी चौहान संगारेड्डी में अधिक से अधिक संख्या में, यानी हजारों लाखों की संख्या में संगारेड्डी चौरस्ते पर पहुंचे, और संगारेड्डी चौरस्ते लेकर सनातन धर्मशाला यानी बेगम बाजार तक उनको हमें एक बहुत भव्य रैली के रूप में लाना है और उनके कार्यक्रम को सफल बनाना है। जय श्री राम।